Ready? Start. ज्ञान आनंद और प्रसिद्धि के शिखर तक वही लोग पहुंचे जिन्होंने अनुकूल अवसर नहीं मिलने जैसे बहानों की आड़ नहीं ली। स्टॉप। प्रभु की न्याय प्रियता और उसके निर्णयों के प्रति उन्हें संदेह नहीं रहा। स्टॉप। उन्होंने कठिन प्रतीत होते समय में भाग्य को नहीं कोसा अपितु निरंतर कर्मरत रहे। स्टॉप। प्रतिकूल लगती घटना से क्षुब्ध होकर हमारी मन बुद्धि प्राय प्रभु की व्रत योजनाओं से लेकर उनके अस्तित्व पर भी संदेह करने लगती है। स्टॉप। कुछ तो अपना इष्ट तक बदल डालते हैं जबकि प्रभु को उन पर आस्था रखने वाले भक्त से अपार स्नेह होता है, उसे वे कभी गिरने नहीं देते। स्टॉप। उसकी उन्नति का एक द्वार बंद होता है तो प्रभु उसके लिए दूसरा द्वार खोल देते हैं। स्टॉप। पैरा। यदि चिंता अतीत की चिताओं का भविष्य की कल्पनाओं में जकड़े रहने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उस धरातल तले अवसर नहीं दिखेंगे जहां आप खड़े हैं। स्टॉप। अवसर उसी को दिखेंगे जिसका समग्र ध्यान आज संपन्न किए जाने वाले कार्य पर केंद्रित होगा जिसमें कार्य पूर्ण करने की प्रबल इच्छा हो, इतनी प्रबल कि आसपास के लुभाते विचलनकारी आकर्षणों की शुद्ध ही न रहे। स्टॉप। आज पग पग पर अवसरों की जितनी प्रचुरता है वैसी अतीत में कभी नहीं थी। स्टॉप। अभाव है तो केवल पुरुषार्थी परिश्रमी लोगों का जो निष्ठा से अविरल अपने स्पष्ट लक्ष्य की दिशा में अग्रसर रह सके। स्टॉप। पैरा। दुबई में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 28 में एक ऐसे लक्ष्य पर सहमति जुटाने की कोशिश चल रही है जिस पर पिछले कोप सम्मेलनों में विचार करने से बचा जाता रहा। स्टॉप। ऊर्जा के लिए कोयला तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध रीति से रोकथाम के बिना वायुमंडल के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को नहीं रोका जा सकता। स्टॉप। यह जानते हुए भी इस विषय को पहली बार 2 साल पहले ग्लासगो में हुए 26वें जलवायु सम्मेलन में रखा गया था और वहां भी कार्बन उत्सर्जन रोके बिना कोयला जलाने के प्रयोग को रोकने का प्रस्ताव पेश किया गया था। स्टॉप। चीन व भारत समेत विकासोन्मुख देशों ने उस प्रस्ताव का इसलिए विरोध किया था क्योंकि तेल व गैस को छोड़ केवल कोयला जलाने पर रोक की बात की जा रही थी। गत वर्ष शर्म अल शेख जलवायु सम्मेलन में भारत ने कार्बन उत्सर्जन रोके बिना कोयला तेल व गैस इन जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध रीति से रोकथाम का प्रस्ताव रखा था जिस पर चीन के विरोध के कारण सहमति नहीं बन पाई थी। स्टॉप। पैरा। इस बार भारत ने तो अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन अमेरिका और यूरोप समेत सम्मेलन में भाग ले रहे देशों में से करीब 100 देश कार्बन उत्सर्जन रोके बिना जीवाश्म ईंधनों की चरणबद्ध रोकथाम के लिए तैयार है। स्टॉप। कहा जा रहा है कि चीन जीवाश्म
ईंधनों का प्रयोग रोकने के बजाय घटाने को राजी है। स्टॉक प्रमुख तेल उत्पादक होने के बावजूद सम्मेलन का मेजबान संयुक्त अरब अमीरात भी इस पर सहमति जुटाने में लगा है, लेकिन सऊदी अरब अभी तक इसका विरोध कर रहा है। स्टॉक कार्बन गैसों का उत्सर्जन तेल और गैस जलाने से नहीं बल्कि तेल और गैस का उत्पादन और शोधन करने वाले उद्योगों से भी होता है, जो विश्व के 15% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। स्टॉक तेल एवं गैस उद्योगों ने 2050 तक कार्बन और मिथेन का उत्सर्जन पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मांग कर रही है कि इस लक्ष्य को 2030 तक पूरा किया जाए। इस बीच अमेरिका ने अपने तेल और गैस उद्योग से पैदा होने वाली मिथेन के उत्सर्जन में 2038 तक 80% की कटौती का प्रस्ताव रखा है। स्टॉक कार्बन की तुलना में मिथेन वायुमंडल में रहती तो कम समय तक है, परंतु इसकी ताप रोकने की क्षमता कार्बन गैसों से 80 गुना अधिक है। पशुपालन और खेती मिथेन उत्सर्जन के दूसरे बड़े स्रोत हैं, जिन पर हर साल चर्चा तो होती है मगर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाती। स्टॉक यदि कार्बन उत्सर्जन को रोके बिना जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग की चरणबद्ध रीति से रोकथाम और तेल एवं गैस उद्योग के उत्सर्जन को 2030 तक खत्म करने पर सहमति बन जाती है तो इसे इस जलवायु सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि प्रयासों के बावजूद इस वर्ष पृथ्वी के कार्बन उत्सर्जन में कमी आने के बजाय 1.1% की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 3,680 करोड़ टन हो गया। इसमें लगभग 1/3 योगदान अकेले चीन का था। इसका ही परिणाम है कि इस वर्ष तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्टॉक पृथ्वी के हर कोने में सूखे अतिवृष्टि और तूफानों की मार से हो रही भारी तबाही से इसका असर स्पष्ट देखा जा सकता है। स्टॉक पैरा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पहले ही तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश बन गया है। स्टॉक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भले अभी अमेरिका के 8वें हिस्से के बराबर हो, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से देखें तो भारत का उत्सर्जन अमेरिका से भी अधिक है। स्टॉक चीन ने अपनी सौर ऊर्जा, बिजली चलित वाहनों और अक्षय ऊर्जा जमा करने के लिए जरूरी बैटरी तकनीक का सबसे तेजी से विकास किया है। स्टॉक इसकी वजह से उसकी कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर धीमी पड़ रही है। स्टॉक इस वर्ष भारत का उत्सर्जन 8.2% की दर से बड़ा है, जबकि चीन का केवल 4% बड़ा है। स्टॉक यदि भारत ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए युद्ध स्तर पर काम नहीं किया तो वह दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक बन जाएगा और जलवायु सम्मेलनों में निशाना बनने लगेगा। स्टॉक भारत के समक्ष दो विकल्प है, या तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जहरीली होती जलवायु की परवाह न करते हुए चीन की तरह अंधाधुंध विकास करे और अपने लोगों को जहरीले वातावरण, सूखे, अतिवृष्टि, बाढ़ और तूफान जैसी विपदाओं से तबाह होने दे। स्टॉक इन कारणों से
अभी से ही हर साल 16.7 लाख लोग मर रहे हैं, जो कोविड महामारी से 3 साल में हुई मौतों से भी अधिक है।